उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना पार क्षेत्र के एतमादौला रोड पर राधा कृष्ण मंदिर में हर साल की भांति इस साल भी साईं पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने साईं पालकी यात्रा में भाग लिया। यात्रा का शुभारंभ समाज सेवी जितेंद्र चौहान ने दीप प्रज्वलित कर साईं पालकी को कांधे पर उठाकर यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने पालकी में आए हुए साईं प्रेमियों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। राधा कृष्ण मंदिर के महंत पंडित अनिल शर्मा ने बताया कि इस बार 14वीं साईं बाबा की पालकी यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने नाचते गाते हुए साईं पालकी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। श्याम की भजन संध्या का कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें खाटू श्याम के भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। श्री राधा कृष्ण मंदिर पर हर वर्ष की प्रतिवर्ष भांति जो है इस वर्ष भी साईं बाबा की पालकी निकाली, 14वीं पालकी निकाली गई। इसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया, भक्तजनों ने भाग लिया। सबकी सहयोग से यह कार्यक्रम होता है, जिसमें से हमारी पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी बहुत बढ़िया तरीके से रही। हम सबके हृदय से आभारी हैं। और शाम को खाटू श्याम जी की भजन संध्या है। मैं सभी भक्तजनों से, सभी माताएं बहनों से अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पधार करके बाबा खाटू श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये कितने सालों से आपकी साईं यात्रा निकल रही है? ये 14 साल हो गए, 14वीं वर्षगांठ है साईं बाबा की, जिसमें जनता के प्रमुख जनता सेवी श्री जितेंद्र चौहान जी आए, पालकी का पूजन कराया, अद्भुत पूजन किया। उसके बाद उन्होंने पालकी में कंधा लगा करके और पालकी की शुरुआत की। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।